अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अरे, मैट्रेस भी तो चाहिए ना, यहाँ पर तो तौलिए तक का ठिकाना नहीं है। सोफे से लेकर चम्मच तक सब कुछ खरीदना है। एक हफ्ता तो हमें शॉपिंग करने में और घर सजाने में ही लग जाएगा। शॉपिंग की नहीं तुमने? तू करने वाला था ना। दोस्तों, आज जिस हीरोइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उनके फादर, मदर, छोटा भाई तीनों आर्मी में थे और वो खुद एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। उनकी किस्मत में लिखा था कि वो हीरोइन बनेंगी और वो हीरोइन बनी। लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए और ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उनके इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना गम, कितना दुख छुपा हुआ है। और वो हैं द वेरी ब्यूटिफुल गॉर्जियस सलीना जेटली। धुंधली सी पड़ गई। स्टॉप फीलिंग सो गिल्टी अबाउट इट लकी। लोग तो प्यार में अंधे भी हो जाया करते हैं। तुमने सोच रखा है रातें यूं गुजारेंगे, धड़कनी बिछा देंगे चुप तेरे कदमों पे। नवंबर 1981 में पैदा हुई थी सलीना शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में है, एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता का नाम था वी के जेटली और वो आर्मी में कर्नल थे। उनकी माँ का नाम था मीता और वो आर्मी में डॉक्टर थी। दोस्तों, सलीना का एक छोटा भाई भी है और वो भी आर्मी में है और उसका नाम है विक्रांत। चूँकि सलीना के पिताजी आर्मी में थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हुआ करती थी। सलीना ने इंडिया के कई बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई की। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपने पिता की तरह वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। लेकिन डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही होता है। ग्रेजुएशन के बाद सलीना ने एक मोबाइल कंपनी में जॉब कर ली कोलकाता में। सलीना ब्यूटी विद ब्रेन्स थी, इसलिए उन्होंने फेमिना मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। वो कॉन्टेस्ट जीत गई और फेमिना मिस इंडिया 2001 की विनर बन गई। उसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और फोर्थ रनर अप की पोजीशन हासिल की। बस फिर क्या था, सलीना ने कई और ब्यूटी पैजेंट्स जीते, कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आई और साथ ही साथ मॉडलिंग करने लगी। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान एक जौहरी की नजर रखते थे। उन दिनों वो अपने बेटे फरदीन खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे और फरदीन खान के ऑपोजिट उन्हें एक खूबसूरत चेहरे की जरूरत थी। उन्होंने सलीना की फोटोग्राफ्स देखी और फौरन साइन कर लिया अपनी फिल्म जानशीन के लिए ऑपोजिट फरदीन खान। फिल्म जानशीन जो आई थी 2003 में। क्या ये मजाक है? ये मजाक नहीं है, वो मेरे होने वाले इन लॉ से ही बात करने गया है। Are you serious? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मुझे प्यार होने लगा है, प्यार होने लगा है, प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। जानशीन कुछ खास कामयाब नहीं रही, लेकिन सलीना का काम लोगों को बहुत पसंद आया और सलीना ने कुछ और फिल्में भी साइन कर ली, जैसे सिलसिले और खेल, नो ऑर्डिनरी गेम। क्या इमेज, क्या कैरेक्टर, क्या मीठी मीठी बातें, बोला चेहरा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस चेहरे के पीछे ऐसा। लेकिन 2005 में एक ऐसी फिल्म आई जो एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। उसमें तीन हीरोज थे, अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान, और फरदीन खान के ऑपोजिट थी सलीना जेटली।
फिल्म का नाम था नो एंट्री, जो आई थी 2005 में, और वो एक कॉमेडी फिल्म थी। नो एंट्री के सक्सेस के बाद सलीना को लगा कि अब उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल्स मिलेंगे। लेकिन फिल्म नो एंट्री के बाद सलीना ने जितनी भी फिल्म्स की वो सब मल्टी स्टारर फिल्म्स थी, और उन फिल्मों में सलीना वन ऑफ द हीरोइंस होती थी। और वो फिल्में थी जवानी दीवानी, जिंदा, टॉम डिक एंड हैरी और अपना सपना मनी मनी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कमिश्नर साहब, आपके इस ऑफिसर का दिमागी संतुलन एकदम खराब हो चुका है। इसने मुझे जबरदस्ती किडनैप किया और किसी और का बैग मेरा कहकर मुझे यहाँ पे लेके आया। नो सर, मेरा बस चले तो इसकी यूनिफॉर्म यहीं पे उतार दो। कुछ मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करने के बाद सलीना को ये महसूस हुआ कि उन्हें मेन लीड ऑफर्स नहीं हो रहे, इसलिए सलीना ने फिल्मों में कैमियो रोल्स करने शुरू कर दिए, यानी गेस्ट अपीयरेंस। थैंक यू, एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माय लाइफ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरी भी खराब हो गई है, अब क्या करेंगे? दोस्तों, जब सलीना फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स यानी कैमियो रोल्स कर रही थी, तब उनकी मुलाकात हुई एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन से। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने 2011 में शादी कर ली। उनके पति का नाम है पीटर हाग। सलीना ने शादी के बाद फिल्मों को गुडबाय कर दिया और अपने पति के साथ दुबई शिफ्ट हो गई। और 2012 में सलीना और पीटर ट्विन बॉयज के प्राउड पेरेंट्स बने और उनका नाम रखा विंस्टन और विराज। सलीना की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, एक परफेक्ट हस्बैंड और दो ट्विन बॉयज। 2017 में सलीना की खुशियां डबल हो गई जब उन्हें पता चला कि वो दोबारा मां बनने वाली हैं और इस बार भी उनके घर ट्विन्स ही आने वाले हैं। लेकिन खुशी से पहले गम ने दस्तक दे दी। जब सलीना अपने प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में थी, उस वक्त उनके फादर की डेथ हो गई जुलाई 2017 में। सलीना को एक बहुत बड़ा धचका लगा क्योंकि वो अपने पिता से बहुत क्लोज थी। वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दुबई में थी और वो प्रेगनेंसी की हालत में अपने पिता की लास्ट राइट्स अटेंड करने के लिए दुबई से इंडिया आ गई। सलीना की तकलीफें यहीं ख़त्म नहीं हुई। अक्टूबर 2017 में उन्हें ट्विन बॉयज पैदा हुए। एक बच्चा बहुत तंदुरुस्त था लेकिन दूसरे बच्चे को हार्ट के इश्यूज थे। 3 महीने तक दूसरे बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा गया लेकिन अफसोस, डॉक्टर्स उस बच्चे को बचा नहीं पाए। एक माँ के लिए इससे बड़ा गम हो नहीं सकता। वो बिल्कुल टूट गई और गम के अंधेरे में डूब गई। दुखों ने तो जैसे ठान ही लिया था कि सलीना का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस दुख से वो जूझ ही रही थी कि सलीना को एक और धचका लगा। 2018 में उनकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई कैंसर की वजह से। सलीना एक डीप डिप्रेशन में चली गई और 5 साल तक वो डिप्रेशन से लड़ती रही। लेकिन सलीना ने अपने हस्बैंड के खातिर और अपने 3 बच्चों की खातिर अपने आप को इस अंधेरे से निकाला और फिर से जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, सलीना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और सलीना की माँ की आखिरी विश ये थी कि सलीना दोबारा फिल्मों में आए। इसलिए सलीना आज भी फिल्मों में काम कर रही हैं और वेब सीरीज भी कर रही हैं। वो सोशल वर्क करती हैं और ऑस्ट्रिया और इंडिया के बीच सफ़र करती हैं और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। हैट्स ऑफ टू यू सलीना। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।